बाद से फल वगैरह लेके आए हैं, इन्हीं सब चीज़ों से व्रत पूरा हुआ है। अब आप भगवान भास्कर को अर्घ्य देने जा रही हैं जी, फिर क्या होगा इसके बाद? उसके बाद से फिर सिंदूर लगाया जाएगा, फिर कुछ खाया जाएगा। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की धूम आप हमारे पीछे देख सकते हैं, किस तरह से तालाब में पोखरे में खड़ी होकर के महिलाएं अब उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अपने इस व्रत को पूर्ण करेंगी। करीब 60 घंटे से ऊपर इस व्रत को लेकर के कठिन तपस्या करने वाली महिलाएं अब जल के अंदर खड़ी होकर के भगवान भास्कर जो उदय हो रहे हैं, निकलने वाले हैं, उनको अर्घ्य दे करके अपने इस व्रत के महात्म को, अपनी श्रद्धा को पूर्णता प्रदान करेंगी। तो 60 घंटे की कठिन तपस्या अब उनकी पूर्ण होने वाली है और आप देख सकते हैं कि घाट पर किस तरह की मनोरम छटा बिखरी हुई है। मुकेश पांडे, ईटीवी गोरखपुर।